ईडी सीबीआई तो है तुम्हारे पास, मगर नीतीश जैसा साहस कहां से लाओगे? 2017 में बीजेपी ने जो तेजस्वी के साथ किया था, आज तेजस्वी ने वही बीजेपी के साथ खेला कर दिया। बिहार में खेला तो हो गया, आरजेडी ने बीजेपी के साथ अपना बदला चुका लिया। आरजेडी और बीजेपी के चक्कर बिंदु बने रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ भले ही बीजेपी भविष्य में अपना फायदा देख रही हो, लेकिन आज जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया वो बड़े साहस का काम था। लगे हाथ तेजस्वी यादव ने बीजेपी से अपना बदला भी ले लिया। जहां एक और कई प्रदेशों के नेता ईडी और सीबीआई की डर से बगावत करने की सोचते तक नहीं, वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से सीधी सीधी टक्कर ले ली। भविष्य के लिए नीतीश कुमार की क्या योजना है उसे कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई नीतीश कुमार की साहस की दाद दे रहा है। जरा सुनिए नीतीश कुमार के साहस की प्रशंसा हो क्यों रही है, उसके पीछे कुछ तथ्य हमारे सामने हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को चित कर दिया और उन्हीं की पार्टी को तोड़ दिया। बीजेपी और शिंदे गुट ने सरकार बना ली और उद्धव हाथ मलते रह गए। मध्य प्रदेश का प्रकरण तो आपको याद ही होगा, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और 15 महीने भी ना चल पाए। कमलनाथ के 2 दर्जन विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन के पास 40 में से 24 सीटें थी, मगर मुख्यमंत्री बने बीजेपी के मनोहर पर्रिकर। ये रुतबा है बीजेपी का। और तो और, खुद बिहार का इतिहास देखिए। 2015 में आरजेडी और नीतीश के गठबंधन ने 178 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी, मगर 2017 में बीजेपी ने नीतीश कुमार को तोड़ लिया और आरजेडी हाथ मलती रह गई। जिस तरह से आरजेडी हाथ मलती रह गई थी, उसी तरह से बीजेपी आज बिहार में हाथ मलती रह गई। जहां विपक्ष की ज्यादा सीटें थी फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली, जहां विपक्ष की सरकार बन भी गई थी उस सरकार को गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। ऐसा इतिहास पिछले कई सालों से बीजेपी का रहा है, लेकिन बिहार में बीजेपी का वो रुतबा काम ना आया और ना ही उसकी चाणक्य नीति। भले ही बीजेपी आने वाले समय में अपना स्वर्णिम भविष्य बिहार में बना ले, लेकिन फिलहाल बिहार में बीजेपी को गहरी मात मिली है। बिहार में ना कई दिनों तक खींचतान चली, ना ही विधायक उठाकर कहीं नजरबंद किए गए, ना ही किसी विधायक की बोली लग पाई, ना ही ईडी और सीबीआई डरा पाई। जो कहीं ना हुआ वो बिहार में हुआ। इसके पहले कि नीतीश कुमार कमलनाथ बनते, इसके पहले कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे बनते, वो बीजेपी से चलते बने, वो भी सीना ठोक कर।